आप देख रहे हैं आवाज में भारत और मैं हूँ आपके साथ अजीत उपाध्याय। अभी हम उपस्थित हैं गंगपुर सिसवन के महाराणा प्रताप चौक पे और आज यहाँ पे महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें काफी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी जो कि आप मंच पे देख पा रहे होंगे। उसी संदर्भ में यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में सिवान की महिला पाली सांसद श्रीमती कविता सिंह जी भी उपस्थित है। उनके साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह जी भी उपस्थित है। हम बात करते हैं कविता जी से कि जो ये मनाया जा रहा है महाराणा प्रताप की जयंती, साथ में यहाँ पे जो संख्या की बात की गई जिनके ही वक्ताओं के द्वारा, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैडम। जो यहाँ पे महाराणा प्रताप की जयंती जो मनाई गई, आपने भी बहुत अच्छा संबोधन किया, उसमें आपने ये भी रखा कि एक जो यहाँ पे संख्या की कमी है, जो आपके जनप्रतिनिधि आपके सांसद के, उन्होंने इस बात को रखा कि मैं क्यों यहाँ पे जो जनसंख्या की कमी होती की जा रही है। महाराणा प्रताप जी की जन्मदिन और इस स्थान का आपने प्रश्न किया है, इसके बारे में यही करना चाहूंगी कि सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन किस प्रकार से आता है, कौन किस तरह मनाता है। हो सकता है कुछ लोग अपने घरों में मना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं और आगे चल के हो सकता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोग नहीं आए होंगे, तो यह कोई मैटर नहीं रखता कि कौन आया है कौन नहीं आया है।
मैटर ये नहीं रखता, लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप की जयंती में सिर्फ एक समुदाय के लोगों को बुलाया गया। हमें तो नहीं लगता है कि सिर्फ एक समुदाय के लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे पांडे जी भी हैं, यादव जी भी हैं, सिंह जी भी हैं, पासवान जी भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। आप खुद देख रहे हैं, सबसे बात कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन आया है कौन नहीं आया है। बाजार में जो गैंगपुर बाजार है, यहाँ पे उपस्थित होने के बाद और यहाँ पे लोगों से बात करने के बाद ये मालूम चला कि यहाँ पे जो जनसंख्या की कमी है, काफी लोगों को ये बुलाया या ये निमंत्रण नहीं दिया गया अन्य लोगों को? हमें लगता है कि जितने लोग हैं वह बहुत अच्छे हैं, सभी लोग उपस्थित हुए हैं और हो सकता है किसी भी ज्यादा संख्या हो सकती है, जितने आए हैं सब। हमारे साथ अजय सिंह जी भी हैं, इनसे भी वार्ता करते हैं। हिंदू का फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं जनसंख्या की सबसे बड़ी कमी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जनसंख्या मत देखिए, हम एक ही 100 के बराबर हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? व्यास दबा है शेर में, जंगल में शेर एक राजा, हम महाराणा के वंशज हैं और महाराणाओं की संख्या कम होती, लेकिन उसके दृढ़ संकल्प और उसके सम्मान देश में सर्वोपरि बना रहे। इसलिए संख्या आना और जाना ये आयोजक करता यहाँ के लोग और सभी लोगों को निमंत्रण दिया है। आज लगन बहुत भारी है जिसके वजह से सभी लोग व्यस्त हैं, सुबह से तांता लगे थे और लोग नमन करने आए हैं और नमन करके हम लोगों से भी लोग छुट्टी मांगा, जब हम लोग जाएंगे या शादी में बाहर नहीं जाइए, या आप अपने हृदय में महाराणा को धारण करे रखिए और नमन करते रहिए जब उनकी जयंती हो, पुण्यतिथि हो। इस तरह की भीड़ कम नहीं थी, हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारा भीड़ था और बहुत सारे लोग आए और नमन किए हैं, गए हैं और आज लगन है, हम लोग को भी निकलना है, बहुत सारे निमंत्रण में जाना है। 2022 में कहा जा सकता है, जैसे कि आप बता रहे हैं काफी लोग आए और चले गए, 2023 में क्या लग रहा है कि सिसवन जो प्रखंड है और अगल बगल का जो गांव है, यानी 13 पंचायत के प्रखंड है और आप इसी प्रखंड के निवासी भी हैं, तो क्या लगता है 2023 में इस पूरे प्रखंड को भर दिया जाएगा? देखिए, सभी हिंदुओं में महाराणा की महाराणा के विचार है, कई कई सुसुप्त अवस्था में खड़ी हुई है, उसको हम लोग जगाएंगे और सभी सनातनियों को कहेंगे कि महाराणा अपने को हृदय में धारण करिए और अब देश को भारत माता को सुरक्षित रखिए, रक्षित रखिए और कभी मुगलों के हाथ में न जाने दीजिए, भारत माता की भारत माता को मुगलों से गुलाम न होने दीजिए और महाराणा को अपने हृदय में धारण करके रखिए। महाराणा महाराणा आपके हृदय में जो है समस्या उसको जगाइए और देश को सुरक्षित। तो साफ तौर पे आपने सुना अजय सिंह जी और श्रीमती कविता सिंह जी ने अपनी बात ही रखी कि हिंदू को जगाने का काम करिए, मुगलों का जो शासन काल है इस पे उसको, यानी कि जिस प्रकार से पहले युग में रहा है उसको फिर से अवतरित होने का काम मत करने दीजिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।